माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू साइंस एंड फार 9th एंड 10th तो जैसा कि मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था कि जितने भी टॉपिक्स में आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है डाउट है कंफ्यूजन है और आप वो टॉपिक ही बस क्लियर करना चाहते हो नॉट द फुल चैप्टर तो मैं आप लोगों के लिए आज मेंडल्स लॉ का टॉपिक लेकर आई हूँ ताकि आप लोगों को इस टॉपिक में कहीं से भी कोई भी दिक्कत ना हो कोई भी परेशानी ना हो और आपका टाइम भी सेव हो जाए सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी शॉर्ट तो वीडियो को पूरा देखना सेशन को पूरा देखना आपको श्योरली बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी मेंडल स्टॉ में अगर अभी तक कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो सो लेट्स स्टार्ट विथ बच्चों अब देखो ने आप आप सबको पता है ने काम किया किया था था पे उन्होंने उन्होंने और से बहुत सारे किए थे अब उनमें से तीन बेसिक लॉज थे जो उन्होंने प्रपोज किया था आफ्टर डूइंग हिज एक्सपेरिमेंट कौन कौन से वो लॉज थे पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस दूसरा लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और तीसरा लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट तो पहला लॉ लॉ ऑफ डोमिनेंस ये लॉ देखो क्या कहता है ये लॉ क्या कहता है कि अगर हमने क्रॉस करा दी है किसी कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स में दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म को लिया दोनों के पास सेम जीन का कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है तो जो एक कैरेक्टर जो पेयर एक्सप्रेस होगा अपियर होगा एफ वन जनरेशन में वो डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस होगा मतलब कि मान लो अगर हम टॉल प्लांट को लेते हैं और शॉर्ट प्लांट को लेते हैं दोनों की अगर हमने क्रॉसिंग करा दी तो ऑब्वियसली जो टॉल वाला कैरेक्टरिस्टिक है वो डोमिनेंट है रिसेसिव जो है वो शॉर्ट होगा वो डॉफ प्लांट होगा तो अगर हम एफ वन जनरेशन में उसकी क्रॉसिंग कराते हैं तो जो एफ वन जनरेशन का जो ऑफ होता है वो होता है टॉल राइट right? तो इसी को हम कहते हैं कि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है वाइल द वन विच नॉट एक्सप्रेस इट सेल्फ इन एफ वन जनरेशन इज रिसेसिव जो एक्सप्रेस नहीं होता एफ वन जनरेशन में उसे हम रिसेसिव बोलते हैं तो बेसिकली मैं आपको इसका डेफिनेशन uh, बता देती हूँ इन क्रॉसिंग बिटवीन ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टर्स क्रॉसिंग बिटवीन ये बिटवीन है ओके बिटवीन ऑर्गेनिजम्स Having contrasting characters. अब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या होता है ये तो आप लोगों को पता ही होगा जैसे अगर हम हाइट की बात करेंगे प्लांट के हाइट की तो हम टॉलनेस या फिर उसके dwarfness को उसका कैरेक्टरिस्टिक मान के चलेंगे कि दो ही कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है एक प्लांट में उसकी हाइट को लेकर कि या तो उसका हाइट ज्यादा होगा वो टॉल प्लांट होगा या तो उसकी हाइट कम होगी वो डॉफ प्लांट होगा सो so, दोनों में से किसी एक ही कैरेक्टर को एक्सप्रेस किया जाता है एफ जनरेशन में ओनली वन कैरेक्टर ऑफ द पेयर अपियस इन द एन जेनरेशन ओनली वन कैरेक्टर इन द पेयर अपीयर इन एफ वन जेनरेशन तो जो जेनरेशन में जेनरेशन येस तो जो एफ वन जो मतलब कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है वही होता है डोमिनेंट और जो एक्सप्रेस नहीं होता उसे हम रिसेसिव बोलते हैं। तो अपियर्ड अपियर्ड कैरेक्टर इज डोमिनेंट वेर एज नॉट

रिससिव कैरेक्टर इज डॉर्फनेस तो ये तभी हम डिफाइन कर पाएंगे मान लो हो सकता है किसी प्लांट का जो कैरेक्टर है वो डोमिनेंट हो डॉर्फनेस डॉफनेस भी तो एक डोमिनेंट कैरेक्टर हो सकता है पता कैसे चलेगा कि कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है कौन सा कैरेक्टर रिसेसिव है बस दो अलग अलग कैरेक्टर के प्योर ब्रीड के दोनों अलग अलग कैरेक्टर के ऑर्गेनिजम्स को ब्रीड करा देंगे पहली जो जनरेशन होगी एफ वन जनरेशन वो जैसा एक्सप्रेस करेगा वही डोमिनेंट कैरेक्टर कहलाएगा जो एक्सप्रेस नहीं करेगा वही रिसेसिव कैरेक्टर कहलाएगा तो इसी से हम कहते हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है इसी से समझ में आ जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पे साइड में मैं आप लोगों को ना क्रॉस भी करा के दिखा देती हूँ मान लो एक पेरेंट है कैपिटल टी कैपिटल टी यानी कि वो क्या है प्योर टॉल है और एक पेरेंट है स्मॉल टी स्मॉल टी वो क्या है प्योर डॉर्फ है ठीक है प्योर टॉल एंड प्योर डॉफ अब उनके गैमीट्स का सेग्रीगेशन होगा गैमीट्स उनके अलग हो जाएंगे तो इसका एक गैमीट अगर हटाया जाए तो कैपिटल ही इसकी गैमीट निकलेगी इसकी गैमीट अगर सेग्रीगेट की जाए तो स्मॉल टी ही इसकी गैमीट निकलेगी राइट और जब इन दोनों का क्रॉस कराया जाएगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये होगा एफ वन जनरेशन का ऑफ स्प्रिंग एफ वन जनरेशन का ऑफ स्प्रिंग होगा ऑफ स्प्रिंग और ये क्या होगा ऑफ स्प्रिंग क्या होगा ये टॉल होगा ये टॉल होगा हालांकि इसके अंदर आ, F2, आ, इसके अंदर क्या है हेट्रोजाइगस टॉल है ठीक है हेट्रोजाइगस टॉल कंडीशन है इसमें क्योंकि कैपिटल टी भी है स्मॉल टी भी है तो ये क्या है हेट्रोजाइगस है प्योर टॉल वाला जो मैंने आपको कैरेक्टर दिखाया कैपिटल टी कैपिटल टी उसे होमोजाइगस कहते हैं Small t, small t, दोनों ही स्मॉल टी है प्योर है वो तो वो homozygous हो जहाँ पे प्योर वर्ड आ जाए समझ लो वहां पे होमोजाइगस की बात की जा रही पे हाइब्रिड आ जाए या कंडीशन आ जाए वहां पे हेट्रोजाइगस यानी कि कैपिटल भी होगा स्मॉल भी होगा हालांकि एक्सप्रेस होगा सिर्फ उसका टॉलनेस ये वाला जो बच्चा है ना ये वाला जो ऑफ स्प्रिंग है ये टॉल बच्चा है ये इस प्लांट जो है इसका ऑफस्प्रिंग ये टॉल प्लांट है तो इससे हमें समझ में आ गया कि टॉलनेस इज द डोमिनेंट कैरेक्टर इन पी प्लांट और डॉर्फनेस इज रिसेसिव कैरेक्टर इन पी प्लांट इसे हम क्या कहेंगे हेट्रोजाइगस टॉल हेट्रोजाइगस इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ <coughs> कौन से कलर से करूं चलो ठीक है ये हो गया हेट्रोजाइगस टॉल चलिए लॉ समझ में आ गया होगा आप लोगों को बच्चों राइट मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकती हूँ आप लोगों से चलो अगला लॉ हम लोग देखते हैं ओ ओ शिट चलो मैं इसको एक काम करती हूँ मैं ना मैं ये सही कर दूंगी डोंट वरी चलो इसमें देख लेते हैं अगला लॉ कौन सा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सेकेंड लॉ क्या हो रहा है आज आज अलग दुनिया में सब है ये बोर्ड भी अलग ही दुनिया में जी रहा है हम्म hmm. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ठीक है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि एलिन्स या जीन्स तभी सेग्रीगेट होते हैं तभी अलग होते हैं जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है गैमीट का फॉर्मेशन यानी कि मेल गैमीट अलग होगा फीमेल गैमीट अलग होंगे तो वो दोनों का फ्यूजन होगा तभी तो जाके उनके ऑफस्टिंग बनेगी तो जिस टाइम पे गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा होता है तभी जीन्स के एल्स आपस में डिफर करते मतलब अलग अलग खिंच जाते आपने पढ़ा होगा ना जब माइटोसिस uh, मियोसिस हो रही होती है तो उस टाइम पर क्या होता है उस टाइम पे सिस्टर सिस्टरक्रोमेटेड अपार्ट हो जाते हैं अपार्ट पोल्स में चले जाते हैं सो एल्स डू नॉट मिक्स इन हाइब्रिड दिस इज द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को बोलते हैं कि की मिक्सिंग नहीं हो सकती ऐसा नहीं हो सकता कि दो अलग अलग एल दोनों ही रिप्रेजेंट हो गए मदर के ही आगे दोनों फादर का कुछ एल एल आया ही नहीं कोई कैरेक्टर फादर का आया ही नहीं मदर का ही सब कैरेक्टर आ गया ऐसा नहीं होगा ना क्योंकि जब एलिस का अः uh, सेग्रीगेशन हो रहा होगा सेग्रीगेशन एक तरह से कुछ नहीं छाटना जिसको हिंदी में कहते हैं ठीक है हम कोई भी चीज अच्छी अच्छी चीजें छाट देते हैं कि नहीं इन दोनों में से ना मुझे ये वाला बेस्ट दो, दो एल एल्स होंगे या तीन एल होंगे मल्टीपल एल का भी केस होता है तो हर एक एल के हर एक जीन का हर एक कैरेक्टर के कुछ एल होंगे वो एल अपार्ट हो जाएंगे फ्रॉम ईच अदर जब गैमिट बनेगी तो एक सेट ऑफ एक गैमिट के अंदर चाहे वो मेल गैमेट हो या वो फीमेल गैमेट हो एक गैमेट के अंदर एक ही सेट ऑफ जीन्स जाती है दूसरी सेट नहीं जाती है तो एक सेट मदर की दूसरी दूसरी सेट फादर की इस तरीके से हाफ हाफ करके आ गया तो हाफ एंड हाफ फुल हो जाता है बच्चे के अंदर अभी जब मैंने आप लोगों को दिखाया इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस में जब मैंने अभी आपको यहाँ लॉ ऑफ डोमिनेंस में दिखाया तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्योर टॉल टीटी प्योर डॉर्फ स्मॉल टी स्मॉल टी मान लो अगर ये प्योर नहीं होता ये हेटेरोजाइगस कंडीशन होती एक पेरेंट की ये कैपिटल टी स्मॉल टी होता तो इन दोनों में से या तो यहाँ पे गैमेट्स के सेग्रीगेशन में कैपिटल टी निकल के आ रहा होता या तो स्मॉल टी निकल के आ रहा होता कोई भी दोनों में से निकल के आ सकता है राइट चलिए तो लॉ सेग्रीगेशन क्या है एलील्स या फिर जीन्स हमेशा साथ रहते हैं और सिर्फ और सिर्फ सेग्रीगेट होते हैं एट द टाइम ऑफ गैमिट फॉर्मेशन इससे एलिल्स की मिक्सिंग नहीं होती है हाइब्रिड के अंदर सो so, एल्स और जीन्स रिमेन टुगेदर अंटिल अंटिल गैमिट फॉर्मेशन गैमीट मैं क्या लिख रही हूं गैमीट फॉर्मेशन हम्म <laughs> हम्म आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्प करे बच्चों गैमीट का फॉर्मेशन हो गया और उसके तब तक ये सेग्रीगेशन नहीं होगा एंड इट विल इंश्योर कि एलि आपस में मिक्स नहीं होते सो एल्स डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर विथ ईच अदर ब्रैकेट में प्योरिटी ऑफ गैमीट्स प्योरिटी ऑफ गैमीट्स ठीक है एक गैमीट हमेशा प्योर रहेगा क्योंकि उसके अंदर मिक्सिंग नहीं होती ठीक है डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर मिक्स विथ ईच अदर लिखने की जरूरत नहीं थी मैं लिख देती हूं मिक्स इन दी हाइब्रिड चलो मिक्स इन हाइब्रिड चलिए तो ये हो गया लॉ ऑफ अगला लॉ हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट बहुत इजी ये वाला भी लॉ है इसका ये मतलब है कि जब इंडिविजुअल्स डिफर करते हैं दो या दो से ज्यादा पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में तो इनहेरिटेंस सिर्फ एक पेयर की किसी भी एक पेयर की अफेक्ट नहीं होती बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर पेयर ऑफ एलिस या कैरेक्टर ठीक है मान लो एक प्लांट को हमने ले लिया पी प्लांट को हमने ले लिया हम उसके टॉलनेस और हम उसके फ्लावर के पोजीशन दो अलग अलग कैरेक्टर को अगर हम कंसिडर करके चल रहे हैं उसका tallness, मतलब उसकी और उसके का position, तो आपको पता है कि डोमिनेंट कौन, कौन सा है ना एक्ल और टर्मिनल हो गया दो अलग अलग एल ऑफ फ्लावर पोजीशन ऑफ पी प्लांट और टॉलनेस और डॉफनेस हो गया दो अलग अलग एल्स ऑफ कैरेक्टर हाइट हाइट के कैरेक्टर के दो एलील्स हो गए टॉलनेस और डॉफनेस फ्लावर पोजीशन के कैरेक्टर के दो एलील्स हो गए एक्सियल और टर्मिनल तो दोनों जो अलग-अलग पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है ना अगर उसको हम साथ में लेकर भी चलेंगे किसी भी हाइब्रिड में तो एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर दूसरे पेयर को कभी भी अफेक्ट नहीं करेगा या इन्फ्लुएंस नहीं करेगा बाय द प्रेजेंस ऑफ अनदर राइट तो इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोटमेंट दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं दोनों ही कैरेक्टर्स अपने आप में ही एक्सप्रेस करेंगे जिसमें भी उनको एक्सप्रेस करना होगा हाइब्रिड्स में हाइब्रिड का केस होगा तो हमेशा जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वही एक्सप्रेस होगा और जहां पर होमोजाइगस रिसेसिव का कंडीशन आ जाएगा वहां पर रिसेसिव कैरेक्टर ही एक्सप्रेस होगा नो no मैटर उन दोनों को चाहे कितना भी क्रॉस करा लो ओके सो वेन टू मैं यहाँ पर लिख देती हूँ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट असॉटमेंट तो ये लॉ क्या कहता है कि व्हेन इंडिविजुअल्स डिफरिंग इन टू और मोर देन टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर क्रॉस्ड द इनहेरिटेंस ऑफ एनी वन पेयर इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द अदर when individuals having two pairs having two pairs of two or more than two pairs more than two pairs in contrasting in contrasting character a second bacho mm -hmm -hmm. two pairs in कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स आर क्रॉस जब दोनों को क्रॉस करा दिया जाएगा तो जो इनहेरिटेंस होगी तो जो ऑफ स्प्रिंग इनहेरिट करेगा जो भी कैरेक्टर तो द इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर ऑफ वन पेर ऑफ Character will not be affected, will not be affected by the presence of another, by the presence of another. ठीक है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेंगे दोनों ही इंडिपेंडेंटली अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे अगली जनरेशन में अब इसका बहुत ही क्लासिक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर हम ट्रू ब्रीडिंग राउंड और येलो सीड को जो कि दोनों ही कैरेक्टर राउंडनेस सीड का और जो स्मूद है येलो सीड्स है ठीक है येलोनेस सीड की जो है वो दोनों ही डोमिनेंट कैरेक्टर है तो दोनों को अगर प्योर राउंड एंड येलो को अगर हमने क्रॉस करा दिया रिंकल्ड और ग्रीन सीड के साथ जो जो जनरेशन होगी वो हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी यानी कि उन दोनों में से जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वही एक्सप्रेस होगा तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई भी एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहा है मान लो राउंड एंड येलो सीड है ठीक है ये राउंड एंड येलो सीड है पेरेंट वन और ये रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड है पेरेंट टू अब इन दोनों को जब हम क्रॉस कराते हैं ये पेरेंट वन है ये पेरेंट टू है इन दोनों की जब हम क्रॉसिंग कराते हैं तो कैसा हमें मिलता है प्रोडक्ट कैसा हमें ऑफस्प्रिंग मिलता है एफ वन जनरेशन होगी तो याद करो एफ वन जनरेशन मैंने क्या बताया था एफ वन जनरेशन में हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर ही एक्सप्रेस होगा और डोमिनेंट कैरेक्टर के एक्सप्रेस होने का मतलब है कि इसी का जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वो इसमें एक्सप्रेस कर जाएगा दिस इज एफ वन जनरेशन तो ये इसकी वजह से तो इन्फ्लुएंस हुआ नहीं है ना इसकी वजह से यहाँ पे दो दो कैरेक्टर्स प्रेजेंट है यहाँ पे सीड का क्या है राउंडनेस है यहाँ रिंकलनेस है और यहाँ पे येलो सीड है जो कि डोमिनेंट कैरेक्टर है यहाँ पे ग्रीन सीड है जो कि रिसेसिव कैरेक्टर है इसकी वजह से ये इन्फ्लुएंस नहीं हुआ ये इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं हुआ इसे पता था कि हम दोनों ही डोमिनेंट है तो बच्चे के अंदर भले हेट्रोजाइगस कंडीशन हो पर बच्चे के अंदर जाएगा तो डोमिनेंट कैरेक्टर ही एक्सप्रेस करेगा ठीक है एक्सप्रेशन की बात हो रही है जाएगा तो दोनों का ही जाएगा इक्वली पर एक्सप्रेशन की बात हो रही है कि अपियर कौन सा कैरेक्टर करता है एफ वन जनरेशन

सो आई होप यू विल गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो थैंक यू सो मच अगले सेशन में मैं फिर से आपका कोई बहुत अच्छा जो मुझे लगेगा कि कोई डाउट है जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा मैं उस टॉपिक को लेकर आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दूंगी थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे